हेलो फ्रेंड, मैं फिरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, आज मैं कुछ फरवरी माह में लगने वाले बीजों को लगाकर बताऊंगा। साथियों, इसमें मॉर्निंग ग्लोरी, सनफ्लावर, ये बड़ी वैरायटी का फ्लावर आता है इसमें। ये छोटी वैरायटी का ड्वार्फ वैरायटी का सनफ्लावर है और ये कूचिया है, कूचिया के सीड हैं। इसके साथ ही जीनिया के सीड को आज ईद उल फितर को मैं लगा कर आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ ही आप अपराजिता के सीड भी इसी माह में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने पहले से ही मिट्टी को तैयार करके रख लिया है और इस मिट्टी में मैंने नारियल का जो रेशा होता है उसको बारीक काट लिया है। इसके साथ ही प्याज के जो सूखे हुए छिलके होते हैं उनको बारीक मसल लिया है। इसके साथ ही सूखी नीम की या अन्य पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनको भी मैंने इसमें मिक्स किया है। इसके साथ ही एक हिस्सा इसमें गार्डन सॉइल और मोटी रेत जो मकान बनाने के काम आती है उसको मैंने मिलाकर ये मिट्टी तैयार की है। आज मैंने अपने गुलाब के पौधों की रिपोर्टिंग भी की है, इसलिए ये देखिए हर तरफ मिट्टी और बेकार हो गए पौधे निकाल कर मैंने रखे हैं। इसके साथ ही ये देखिए सारे गुलाबों की आज मैंने रिपोर्टिंग कर दी है। कुछ पौधे रह गए हैं जिनको मैं बाद में रिपोर्ट करूंगा। ये देखिए कूचिया के सीन हैं और अब इनको मैं इसी में इन बीजों का छिड़काव कर दूंगा। ध्यान रहे, जब भी आप इन बीजों को लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा गहराई में इनको ना लगाएं, क्योंकि बहुत छोटे सीड होते हैं कूचिया के। अब मैं ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के बीजों को इसमें बराबर बराबर दूरी पर डाल दूंगा, लेकिन ये मॉर्निंग ग्लोरी के बीज को हल्का सा गहराई में लगाना चाहिए। ये देखिए मैंने इस पर डाल दिए हैं और अब मैं दूसरे सनफ्लावर, ये ड्वार्फ वैरायटी का सनफ्लावर है, इसके बीज को भी दूसरे पॉट में डाल दूंगा। और ये देखिए मैंने सारे पॉट में एक एक करके बीज डाले दे रहा हूँ। साथियों, इन ड्वार्फ वैरायटी के सनफ्लावर को भी मैं इसी पॉट में रहने दूंगा, सारे पौधों को, जो कुछ पौधों को मैं निकालूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बूसी हो जाते हैं पौधे और बहुत अच्छे लगते हैं। ये कूचिया के जीनिया के बीजों को भी मैं इसी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल रहा हूं और ये जो मिट्टी मैं तैयार करता हूँ मैं हमेशा इसी तरीके से बीजों को उगाता हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं इनका भी रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगा। एक हफ्ते के बाद सब में अंकुरण हो जाएगा और उनका वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, जिससे आपको सच्चाई का भी पता चल सके। अक्सर लोग वीडियो बनाने के बाद उसके रिज़ल्ट को शेयर नहीं करते हैं, जिससे कई जिज्ञासाएं आपके मन में होती रहती हैं, क्या जो मैंने मिक्सचर बनाया है सॉइल का वो कामयाब रहा, या जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया उसमें कितने हद तक सच्चाई रहती है। ये देखिए मैंने ऊपर से जो बीज डाले थे उसके ऊपर से ये मिट्टी डाल दूंगा। इसमें केवल काउडंग, गार्डन सॉइल और मोटी रेत का कुछ हिस्सा मिक्स है और उसको मैं पतली सी लेयर डाल दूंगा, जो बहुत ज़्यादा जैसे जीनिया और कूचिया के सीड बहुत छोटे छोटे से बहुत पतले से होते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी परत नहीं डालनी चाहिए। अब ये देखिए मैं इन मॉर्निंग ग्लोरी के बीजों को थोड़ा थोड़ा सा अंदर दबा दूंगा और इसके ऊपर लगभग आधा से एक इंच तक मिट्टी की एक लेयर डाल देनी चाहिए, जिससे जब ये पौधे
ग्रो होना शुरू हो जाएं तो ये हवा से गिरने ना पाएं, इनकी जड़ मजबूत रहे। ये देखिए एक मैंने लेयर डाल दी है। ध्यान दें जब भी इनमें आप पानी देते हैं और उसके बाद धूप लगने के बाद इसके ऊपर पपड़ी सी पड़ जाती है धूप से, उस पपड़ी को ना पड़ने दें वरना आपके बीजों में अंकुरण अच्छा नहीं होगा। इसमें नमी बनी रहने दें, बहुत ज़्यादा इसको सौगी भी ना करें। एक एक करके मैंने सारे पॉट में ऊपर से एक पतली सी लेयर डाल दी है, इससे ये जो छिलके प्याज के छिलके या नीम की पत्तियां जो दिखती हैं ये भी अंदर बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे ये इसी में मिल जाती हैं। बीजों के अंकुरण के बाद या इन पौधों का सीजन जाने के बाद इस मिट्टी को आप दूसरे गमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तब तक ये पत्तियाँ सड़ चुकी होती हैं और ये मिट्टी आपकी बहुत पोरस हो जाती है। साथियों आज मेरी स्प्रे बॉटल मेरे पास नहीं है, मेरा एक दोस्त मांग कर ले गया था, जिससे मुझे पानी डालने में अब दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ध्यान दें जो आपका पॉट है उसकी जो किनारी होती है उससे सटा कर बिल्कुल धीरे धीरे से इसमें पानी दें, बहुत ज़्यादा तेज़ धार के साथ इसमें पानी न डालें वरना आपके बीज इधर उधर हो सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं मिट्टी के। दूसरा तरीका भी है, आप हाथ में पानी लें और धीरे धीरे से उसको बिल्कुल नीचे ले जाकर इस मिट्टी में टपका दें, अच्छे से इसमें पानी दे दें, जब 3-4 इंच तक इसमें नमी ज़रूर पहुंच जाए। और मैं इन सभी पौधों में पानी देने के बाद इन पॉट्स को ऐसी जगह रखूंगा जहां पर सुबह की 2-4 घंटे की इनको धूप अच्छे से मिल जाए और बाकी समय ये ब्राइट सनलाइट में रहें, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी बीज उगने में दिक्कत करते हैं। हालांकि आज फरवरी की 18 तारीख हो गई है और हमारी तरफ अब धूप तेज़ होने लगी है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में भी इन बीजों को नहीं उगाना चाहिए। हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है और आप अपने यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से इनको 15 फरवरी के बाद उगाना शुरू कर सकते हैं। आप इन बीजों को मार्च में भी लगा सकते हैं। साथियों अगर आपने अभी तक गर्मियों के बीजों को नहीं लगाया है तो ये बिल्कुल सही समय है और आप इस समय इन बीजों को लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक एक करके सभी पॉट में पानी दे दिया है। इसके साथ ही अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या किसी अन्य पौधों की आप जानकारी चाहते हैं तो उसको बारे में भी आप पूछ सकते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ पर सूखी मिट्टी है मैं वहाँ पर फिर से पानी डाले दे रहा हूँ और इस तरीके से बहुत अच्छा अंकुरण होता है इन बीजों का और आशा करता हूँ मेरे ये पॉट भी जल्द ही ग्रीनरी से भर जाएंगे। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।